तो तुम में से ज्यादातर लोगों ने पठान मूवी अब तक देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं पठान मूवी का डिटेल ब्रेकडाउन करने वाला हूं और साथ ही साथ सलमान खान की टाइगर 3 और वॉर मूवी के कनेक्शन की भी बात करेंगे। वैसे मैंने अपने चैनल पर पठान का स्पॉयलर फ्री रिव्यू भी डाल दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पठान मूवी रिलीज होने के बाद इसको क्या कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। फैंस को SRK का 4 साल से इंतजार था और वो फाइनली अब खत्म हुआ, और इतने लंबे इंतजार का जो उन्हें रिजल्ट मिला है वो बहुत ही धमाकेदार है। फैंस उन्हें बहुत ही लंबे समय से एक प्रॉपर एक्शन मूवी में देखना चाहते थे, जो उन्हें अब मिल गई है। शाहरुख खान ने भी फैंस को डिसअपॉइंट ना करते हुए वही डिलीवर किया जो फैंस चाहते थे, और फैंस ने भी इसे अपनी खुली बाहों से एक्सेप्ट किया, जिसका रिजल्ट हमें इसके फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी दिख जाता है। इस मूवी ने इंडिया में फर्स्ट डे में 55 करोड़ रुपीज का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, और अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करी जाए तो इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे में 106 करोड़ रुपीज का कलेक्शन कर लिया है, विच इज टोटली इनसेन। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें स्पाई यूनिवर्स का लोगो दिखाया गया है, जो कि इस मूवी के साथ कंफर्म हुआ है, वरना वॉर या टाइगर मूवी में कभी नहीं बताया गया कि ये एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम तक स्टूडियो ने इस बारे में सोचा भी होगा। पहले इन मूवीज को स्टैंड अलोन मूवीज की तरह बनाया गया होगा, और फिर इनके सक्सेस को देखकर स्टूडियो ने सोचा होगा कि इन्हें एक ही यूनिवर्स का पार्ट बना देते हैं, जस्ट लाइक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो यही होगा कि एक था टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान मूवी स्पाई जॉनरा का पार्ट है, जिससे कि इन मूवीज का इजिली क्रॉसओवर हो सकता है। और सबसे बड़ा रीजन ऑफकोर्स पैसा ही है। जब मूवीज एक ही यूनिवर्स का पार्ट होती हैं तो फैंस के साथ साथ जनरल ऑडियंस भी उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट हो जाती है, और अगर इसमें अगर कोई खराब मूवी भी बन जाए तो उसके भी हिट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर ऑडियंस वो पर्टिकुलर मूवी छोड़ देगी तो उसे आगे की मूवी समझ नहीं आएंगी। अब जिन्होंने वॉर मूवी नहीं देखी होगी उन्हें नहीं पता होगा कि आशुतोष राणा किस कबीर की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और रीजन आता है, रिवॉचेबिलिटी। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल देकर बताया कि जिन लोगों को कबीर का रेफरेंस समझ नहीं आया होगा और जब उन्हें पता चलेगा कि वो वॉर मूवी का रेफरेंस है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बंदा वॉर मूवी देखेगा, इससे उन मूवीज की रिवॉचेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहां YRF के स्पाई यूनिवर्स में जो एक चीज सबसे अच्छी है वो है इसकी कंटिन्यूटी। आपने ज्यादातर मूवीज में देखा होगा कि किसी बॉलीवुड मूवी का सीक्वल बनता है तो वो पिछली मूवी से कनेक्ट नहीं होती। अब एग्जांपल के लिए तुम हाउसफुल मूवी फ्रेंचाइज या फिर गोलमाल मूवी फ्रेंचाइजी को ले सकते हो, जहां मूवीज के सीक्वल पिछली मूवी से कनेक्ट नहीं होते, बस करेक्टर्स को उठाकर दूसरी मूवी में डाल दिया जाता है। मगर YRF यहां बहुत स्मार्ट निकला। टाइगर जिंदा है मूवी को एक था टाइगर के बाद ही कंटिन्यू रखा गया, जिससे कि इनका स्पाई यूनिवर्स अब तक प्रॉपर टाइमलाइन में चल रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एक मूवी के चलते कंटिन्यूटी एरर आता है, और वो मूवी है सिंघम, क्योंकि सिंघम रिटर्न मूवी की स्टोरी सिंघम से कनेक्ट नहीं होती, मगर फिर भी सिंघम यूनिवर्स को कॉप यूनिवर्स में रखा गया है। तो चलिए फिर से पठान मूवी पर आते हैं। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान आर्मी के जनरल बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो आउटफिट एक्स ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट देते हैं कि वो इंडिया पर हमला करे। आउटफिट एक्स को यहाँ प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाया गया है, जो कांटेक्ट मिलने पर किसी भी कंट्री पर अटैक कर देती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जिम, जिस कैरेक्टर को जॉन अब्राहम ने प्ले किया है। और यहाँ ये भी दिखाया गया है कि जिम पहले एक रॉ का एजेंट था, जस्ट लाइक पठान, टाइगर एंड कबीर। तो जिम जब रॉ का एजेंट था तब उसने सोमालियन पायरेट्स के कब्जे से 6 हॉस्टेजेस को बचाया था। तो सोमालियन पायरेट्स ने बदला लेने के लिए जिम और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया था, और उसकी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी, और फिर उन पायरेट्स ने रॉ से डिमांड की कि वो उन्हें 10 करोड़ रुपए दे दें, जिसके बदले वो जिम और उसकी वाइफ को छोड़ देंगे। मगर रॉ ने उनकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन पायरेट्स ने जिम के सामने उसके प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया, और रॉ को लगा कि उस किडनैपिंग में जिम भी मारा गया, मगर ऐसा नहीं था। जिम समहाउ उस सिचुएशन से जिंदा निकलने में कामयाब हुआ, और फिर उसने आउटफिट एक्स ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, जहां उसने दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसीज के एजेंट्स को अपनी टीम में हायर किया, और इस टीम में पाकिस्तान के ISI एजेंट रुबीना भी थी, जिसका रोल प्ले किया है दीपिका पाडुकोण ने। और इससे पहले भी हमें पाकिस्तान के ISI एजेंट जोया को एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है मूवी में दिखाया गया है, तो पॉसिबली जोया और रुबीना एक दूसरे को पहले से ही जानती हों। अब जहां फिल्म के मेकर्स ने बहुत ही स्मार्टली जिम को वॉर मूवी से कनेक्ट कर दिया, तो आशुतोष राणा कैरेक्टर ने इस मूवी में कहा है कि जिम और कबीर हमारे बेस्ट एजेंट, मतलब कि वॉर मूवी में कबीर जिस पार्टनर का जिक्र करता है वो और कोई नहीं बल्कि जिम ही था, और कबीर को भी लगता है कि वो अब मर चुका है। तो वापस आते हैं मूवी की स्टोरी पर। तो जॉन का कैरेक्टर जिम दुबई से एक इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है, जहां इस बीच काफी सारी फाइटिंग सीन्स और एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। फिर पठान को पता चलता है कि आउटफिट एक्स ग्रुप की एक मेंबर रुबीना स्पेन में है, तो उसकी जासूसी करने के लिए वो भी स्पेन चला जाता है। मगर वहां जिम और उसके लोग पठान को पकड़ लेते हैं, और जिम पठान को आउटफिट एक्स में ज्वाइन होने के लिए ऑफर देता है, मगर पठान इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। और फिर जिम वहां से चला जाता है और अपनी टीम से कहता है कि वो पठान को मार दे, मगर तभी रुबीना पठान को बचा लेती है और फिर उसे बताती है कि वो एक ISI एजेंट है जो अंडरकवर होकर जिम के लिए काम कर रही थी, और ये भी इन्फॉर्मेशन देती है कि जिम 7 दिन बाद रशिया से रक्त बीज की डिलीवरी लेने वाला है, जो कि किसी भी कीमत पर उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। और दीपिका बताती है कि उन्हें वो जिम के हाथ लगने से पहले ही चुराना होगा, और वो रक्त बीज को रशिया में मौजूद वॉल्ट से चुरा भी लेते हैं। मगर रुबीना वहां पठान को डबल क्रॉस कर देती है,
और पठान वहाँ उसी वॉल्ट में फंस जाता है। और फिर हमें फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि जिम का ही प्लान था कि रूबीना पठान के साथ मिलकर रक्त बीज को चुराए और वो उसे जिम को लाकर दे दे। इसी बीच रशियन अथॉरिटीज पठान को पकड़ लेती हैं और ट्रेन के जरिए जेल में ट्रांसफर करती हैं। और यहीं एंट्री होती है टाइगर की, जो पठान को बचाने आता है और हमें काफी बड़ा एक्शन सीन दिखाया जाता है। पठान को उन रशियन से बचाने के बाद टाइगर कहता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है जिसके लिए उसे पठान की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए उसे जिंदा रहना होगा। तो यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि टाइगर 3 में पठान का कैमियो जरूर होगा। और फिर दिखाया जाता है कि डिंपल कपाडिया पठान को बताती है कि रूबीना फ्रांस में है, तो पठान चला जाता है रूबीना को पकड़ने के लिए, जहां हमें पता चलता है कि रूबीना बदल चुकी है और वो जिम के अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जिम उस रक्त बीज की मदद से एक बायोलॉजिकल वेपन बनाना चाहता है जिससे एक पूरा शहर कुछ ही घंटों में खत्म हो सकता है। जिम ने इंडियन साइंटिस्ट को दुबई से किडनैप किया था, उसकी मदद से उसने स्मॉल पॉक्स वायरस को म्यूटेट करवाया जिससे ये वायरस किसी भी इंसान को सिर्फ 3 घंटे में मार सकता था। और इस वायरस को 2 बॉल्स में कंटेन किया गया था, मगर पठान और रूबीना जिम के लैब पर हमला करके 2 में से 1 बॉल पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो उस बॉल को 3 लेयर्स में बनाया जाता है, और जब उस बॉल को लैब में सेफली खोला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर सिर्फ पानी है। तभी जिम वहाँ के सिस्टम्स हैक कर बताता है कि वायरस बॉल की 2nd लेयर में था जो कि गैस के फॉर्म में था, और अब वो वायरस पूरी लैब में स्प्रेड हो चुका है। तो डिंपल कपाडिया फौरन उस लैब को सीज करवा देती हैं, और जितने भी लोग उस लैब में मौजूद थे सबके सब उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग डिंपल कपाडिया, और वो सारे ही लोग समझ जाते हैं कि वो अब नहीं बच सकते। तो डिंपल कपाडिया ऑर्डर देती हैं कि पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए ताकि वायरस यहीं खत्म हो जाए और बाहर रिलीज ना हो पाए। और यार सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। इस सीन के बाद हमें मूवी का क्लाइमेक्स दिखाया जाता है, जहां जिम समहाउ एक फ्लाइट में वो दूसरी बॉल रखवा देता है, जो फ्लाइट दिल्ली में कुछ ही मिनट्स में लैंड होने वाली है। उस बॉल में टाइमर लगा होता है और टाइमर पूरा होने के बाद वो वायरस उस बॉल में से रिलीज हो जाएगा और सारे पैसेंजर्स को इन्फेक्ट कर देगा। इस बात का पता जब आशुतोष राणा को चलता है तब वो एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं कि उस फ्लाइट को मिसाइल की मदद से हवा में ही ब्लास्ट करवा दिया जाए, मगर उस टाइमर को एक रिमोट की मदद से भी रोका जा सकता है जो कि जिम के पास है। और फिर पठान और जिम के बीच काफी लंबा फाइट सीन दिखाया जाता है, जिसके एंड में पठान को वो रिमोट मिल जाता है और वो उसका बटन दबा देता है, और फिर आशुतोष राणा भी उस मिसाइल मिशन को अबॉर्ट करवा देते हैं जिससे कि वो फ्लाइट सेफली दिल्ली में लैंड हो जाती है। और फिर पठान का करेक्टर जिम को नीचे खाई में फेंक देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉ का हेडक्वार्टर, जहाँ आशुतोष राणा करेक्टर पठान से कहता है कि उन्हें फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए एक टीम बनानी होगी जिसमें ऑफ कोर्स टाइगर और कबीर भी रहेंगे। और फिर पठान पूछता है कि इस टीम की तलवार किसके हाथ में होगी, जहाँ वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इस टीम को लीड कौन करेगा। तो इस पर आशुतोष राणा कहते हैं कि टीम तुम्हारी होगी तो लीड भी तुम ही करोगे। तो मतलब साफ है कि आशुतोष राणा इस यूनिवर्स के निक फ्यूरी और पठान भाई साहब कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। एंड इन द एंड इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि पठान और टाइगर उसी रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और डिस्कस करते हैं कि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, मगर उनके हिसाब से अब तक कोई भी इस लायक नहीं है कि उनकी जगह ले सके, तो इसलिए उन्हें ही इस लेगेसी को कंटिन्यू करना होगा। अभी आप लोगों के नजरिए पर है कि वो रियल लाइफ रिटायरमेंट की बात कर रहे थे या फिर मूवी में अपने रो एजेंट की पोस्ट से रिटायरमेंट की बात कर रहे थे। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स और मूवी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।